राजधानी भोपाल में लॉयन राजेश सुखरामानी की लॉयनिज्म पर बहुचर्चित पुस्तक का आज कोला रोड स्थित प्रतिष्ठित सेलिब्रेशन रिजॉर्ट में आधिकारिक रूप से विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में लॉयंस समुदाय के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिससे यह एक यादगार और महत्वपूर्ण अवसर बन गया। कोला रोड स्थित प्रतिष्ठित सेलिब्रेशन रिजॉर्ट में बहुप्रतीक्षित पुस्तक का आधिकारिक रूप से विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें पीडीजी लायन जयपाल सचदेव भी शामिल थे, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर को सम्मानित किया। पीडीजी लायन डॉक्टर आर के चौरसिया, जो लायंस समुदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जिससे समारोह में प्रतिष्ठा और ज्ञान का संचार हुआ। सम्मानित अतिथियों में हैदराबाद से लायन एम नागराजू, लखनऊ से लायन एच एन सिंह और लायन शालिनी भार्गव शामिल थे, जिन्होंने अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि और योगदान के साथ लायनिज्म को संबोधित किया और अपनी उपस्थिति और विशेषज्ञता से कार्यक्रम को समृद्ध बनाया। लायन राजेश सुखरामानी द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई यह पुस्तक लायनिज्म के सार को गहराई से समझती है। इसके मूल्यों, मिशनों और दुनिया भर के समुदायों पर इसके गहन प्रभाव को समेटती है। यह वर्तमान और महत्वाकांक्षी लायंस के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करती है, जिन्हें सेवा और नेतृत्व की उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन करती है। बेसिकली हमारी संस्था लायंस इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संस्था है, और क्योंकि हमारे पदाधिकारियों को काफ़ी सारी तकलीफें आती थी कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए मुझे एक मेरे सीनियर से और एक वो आया कि ऐसी कोई किताब लिखी जाए जिससे उनको सही जगह पे सही समय पे सारी जानकारी मिल जाए। हमारी जानकारी काफ़ी जगह पे है, बट बहुत ढूंढना पड़ता है। इस वजह से मैंने उसको सब कंपाइल करके उसको एक जगह पे कर लिया है, और इससे मुझे विश्वास है कि न सिर्फ हमारे वरन बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, श्रीलंका, सभी लायंस को काफ़ी फायदा होगा। इस व्यवहारिक और विचारोत्तेजक पुस्तक का विमोचन लायनिज्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लायंस सदस्यों की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। EMT News के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।